दोस्तों हमारे झारखंड प्रदेश में एक नामी ग्रामी स्थान रखते हैं अमरेंद्र आनंद जी। जी हाँ, इनका अपना एक जो है एक छोटी सी अभी स्टार्ट ही हो रही है, अभी शुरू हो रही है, पूरी तरह से हुई नहीं है, ये अपना गैलरी बना रहे हैं सिक्के और कॉइन का, जो छोटा सा म्यूजियम के रूप में हमारे जिले में धनबाद जिले में एक आने वाले वक्त में जो है ये बड़ा ही भव्य आपको दिखाई देने वाला है। लेकिन अभी चूंकि काम चल रहा है तो इस वीडियो में आपको वो भी देखने को मिलेगा। आइए आपको हम अपने आनंद हेरिटेज गैलरी के जो कि शुरुआती दौर में है, उम्मीद करता हूँ 2-4 महीने में ये पूरा हो जाएगा, सैर कराते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस रूम को देख लो। आप आज तक धनबाद के या धनबाद के बाहर के जितने भी प्रकार के अखबार हैं, सर का इंटरव्यू लगभग हर अखबारों में छपा है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है चारों तरफ रूम में। आप देख सकते हो हर अखबार ने इनका इंटरव्यू लिया है, क्योंकि और ये पहले जो है वो जगह जगह जाकर के अपने इस जो संग्रह है उसको लोगों को दिखाया करते थे, मतलब एक छोटा छोटा एग्जीबिशन लगाया करते थे। बहुत जगह गए भी हैं सर, ये बाद में हम लोग विशेष बात करेंगे, तब तक आपको हम इसका संग्रहालय का जो है वो भ्रमण कराते हैं। ये सारे के सारे एल्बम्स हैं जिसके अंदर में ये रखा हुआ है कि किसमें कौन सा चीज है, ये फिलैटेली के हैं और यहाँ कलेक्शंस में बुक्स का भी बहुत मायने है। अगर आपके पास किताबें नहीं हो तो आप अच्छा कलेक्टर नहीं हो सकते जी सर। इसी कंडीशंस में हम लोग आगे आते हैं। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का एल्बम्स हैं, जो कलेक्शन है सारे अलग अलग टाइप से वो रखे हुए हैं सारे सर। इसी तरह इधर भी है एल्बम्स हैं, ये बड़ा डेकोरेटिव तरीके से बना है। और आइए मैं दिखाऊंगा आपको, ये चल रहा है, ये धीरे धीरे ये हम लोग संग्रहालय की तरह बढ़ रहे हैं। ये बन रहा है, अभी अभी शुरुआती है, शुरुआती दौर है अभी इसका। अब जैसे कि ये बन रहा है, ये एंशिएंट वेट पे बन रहा है। ये आनंद हेरिटेज गैलरी कौड़ी से क्रेडिट कार्ड तक कैसे चला है सर का, प्रिमिटिव अर्ली प्रिंसली स्टेट सल्तनत मुगल, ये सारा जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा भविष्य में आपको। अब जैसे कि ये मेरे मेडल्स हैं, ये भारत का बहुत ही प्रसिद्ध मेडल है, ये 1799 का मेडल है जिसमें कि रंगापत्तनम नाम का एक जगह है जहाँ टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के युद्ध में मारा गया था जी। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, इसलिए इस मेडल पे ये फोटो बनी हुई है और ये ओरिजिनल मेडल है। अच्छा, यानी कि एक शेर को जो है एक शेर पटक रहा है। हाँ। ये इस मेडल की खासियत थी और आज की तारीख में ये अति दुर्लभ है और पूरे भारत में मुश्किल से 10-20 उपलब्ध होंगे। ये मेडल है, आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रायशाह, यहाँ लिखा हुआ है राय बहादुर। अंग्रेजों के जमाने में 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, दिल्ली दरबार में ये तय हुआ कि जो लोग भी भारत में अच्छा काम करते हैं जी, भारत में ब्रिटिश शासक के हक में काम करते हैं जी, उन्हें एक उपाधि दी जाए, उन्हें राय साहब की उपाधि दी गई। और जब राय साहब थोड़े बड़े होते थे तो उनको अपग्रेड करके राय बहादुर कहा जाता था। ये सर मेटल कौन सा है? ये मेटल चांदी के, ये चांदी है। ये क्यों होते थे? जिस तरह आज पद्म श्री है जी, पद्म विभूषण है, ये आप यहाँ देखेंगे इंडियन टाइटल बैच है जो 1911 से लेकर 1947 तक दिए गए जी, ये अवार्ड है जी। और आपने बहुत सुना होगा कि भाई अंग्रेज जो थे वो रूल करो बांटो वाली स्थिति थी जी, तो मेडल देने में भी वो बांटते, जैसे कि अच्छा। आज की तारीख में जैसे कि जो लोग थे हिंदू जी, हिंदू लोग जो थे जो नॉर्थ इंडिया में हिंदू होते थे जी, उसे राय साहब राय बहादुर देते थे जी, लेकिन जो साउथ इंडिया के हिंदू होते थे उनको राव साहब, राव साहब एंड राव बहादुर बोलते, राय और राव में फर्क था। ये दीदी आर द हिंदू नॉर्थ इंडिया और ये हो गया साउथ इंडिया का। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ आप देखते हैं खान साहब, ये है उसी के सेगमेंट के आगे खान साहब जी, ये है खान बहादुर। अगर कोई मुसलमान को देना है जी तो उसे खान साहब और खान बहादुर दिला। ये जो मेडल है ये भारत का सबसे पुराना मेडल है, ये 1 जनवरी 1877 को इसी दिन को भारत की सामग्री
मैंने क्वीन घोषित की गई थी, फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। ये जो मेडल था ये भारत में सोने के भी बने थे और चांदी के भी बने थे। ये 94-98 ग्राम्स के हैं और चांदी के बने थे 200 और अंग्रेजी और गोल्ड के बने थे 40। यानी ये अति दुर्लभ मेडल है, आज की तारीख में 3-4 लाख रुपया 5 लाख रुपया इसके दाम होते हैं। केसरे हिंद, क्या है केसरी हिंद? हाँ। उर्दू में लिखा हुआ पीछे साइड में इसका है, क्योंकि एल्बम में लगा हुआ है इसलिए पीछा हम दिखा नहीं पा रहे आपको इसका, लेकिन इसके पीछे केसरी हिंद उर्दू में लिखा हुआ था। ये विक्टोरिया का पहला, अलेक्जेंडर विक्टोरिया का है। इसी तरह ये आते हैं आपका है, अब आते हैं ये भी मेरे म्यूजियम की खास है जी। इसे बोलते हैं केसरी हिंद सिविल सर्विस जी। आपने सुना होगा कि आप आज की तारीख में मेडल वापसी का बड़ा चक्कर चलता है जी। जी अब तो लोग करने लगे। हाँ, लेकिन पहला मेडल वापसी महात्मा गांधी ने किया था। अच्छा। और इस मेडल को किया था, ये मेडल भारत ही नहीं दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मेडल माना जाता था। और 1915 ईस्वी में भारत में साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा एम्बुलेंस में काम किया था जी। और भारतीय होने के नाते उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई जी। जी जी। और 1920 ईस्वी में उन्हें लगने लगा कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, अंग्रेजों से बगावत लेनी है जी। और उन्होंने उस समय ये केसरी हिंद मेडल जो है सब ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया था। और ये बहुत हंगामा हुआ था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। उसी तरह ये देखिए, ये मेडल है, ये आजाद हिंद फौज का मेडल है। आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। बिल्कुल सर। सुभाष चंद्र बोस ने जो थे उन्होंने ये मेडल है जिस पर की आजाद हिंद लिखा हुआ है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट मेडल का सेगमेंट है जी सर। अब ये है इंडियन आर्मी कोट ऑफ आर्म्स एंड बेल्ट बटन्स। अच्छा। क्या होता है कि किसी भी आर्मी की पहचान जो होती है उसके कोट ऑफ आर्म्स से होती है जी। जी। कोट ऑफ, जिस तरह की ये हमारा अपना कोट ऑफ आर्म्स है। कोट ऑफ आर्म्स मतलब कि ये मेरा सिंबल है जी। जी। जहाँ आनंद हेरिटेज गैलरी कॉरी टू क्रेडिट कार्ड लिखा जी हुआ सर। है। इसी प्रकार भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में भी इस तरह का बैजेज होता है। और यहाँ ये ब्रिटिश इंडिया का है? नहीं, ये भारत का है। अच्छा। ये आजादी के बाद का है। अच्छा, आजादी के बाद इंडियन आर्मी का है। अच्छा अच्छा। जब री उनका नाम बदल के इंडियन आर्मी रखा गया, ब्रिटिश इंडियन आर्मी से। हाँ। जी, ये इन्फेंट्री रेजिमेंट का है। अच्छा। हाँ, ये राष्ट्रीय राइफल का ये रेजिमेंट है। और ये उनके बेल्ट है, क्योंकि बेल्ट से जैसे आप भी देखते होंगे पुलिस का एक अलग बेल्ट। हाँ हाँ, ये बैजेज हैं, ये बैजेज और ये बेल्ट है, ये बेल्ट। अच्छा अच्छा। उसी तरह ये प्रिंसले स्टेट्स के, ये जो है इंडियन प्रिंसले स्टेट्स के, ये चपरास है। चपरास क्या होता था कि ये एक प्रकार का बैज है जी। जो कोर्ट में जो चपरासी होते थे लगाते थे। चपरासी इसमें लिखा हुआ भी है कि चपरासी के लिए ये एक तरह का बैजेज ही है। बैजेज ये पीएम को दिया जाता था, चपरास है, ये सेक्रेटरी सर्विस के लिए था। उसी तरह ये मजदूरी क्या सर? मतलब मजदूर। अच्छा, मजदूरों को दिया जाता था। हाँ, इस तरह का ग्वालियर स्टेट का, ग्वालियर स्टेट का जुडिशियल डिपार्टमेंट में जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे जी, जी, उनके देने के लिए जी, जी। ये टोंक का है। हाँ, ये टोंक का तहसील सदर परगना। हाँ, चपरासी के लिए है ऐसा जी। और ये सिपाही लोग को दिया जाता था। ये भी बैजेस है कि बेल्ट है सर? बेल्ट बकल है। बेल्ट है ना, बेल्ट बकल। ये नीचे चारों बेल्ट प्रिंसले स्टेट्स के बेल्ट बकल। प्रिंसले स्टेट का है। हाँ, आपने इंडियन आर्मी का बेल्ट बकल देखे जी, यहाँ प्रिंसले स्टेट के बेल्ट बकल देखे। वाह, बढ़िया से, क्या बात है। आपने प्रूफ और अनसर्कुलेटेड वगैरह लगा रखा के लिए बन रहा है सर, अभी शुरुआत है। अगली बार आप आएंगे तो आप और भी बृहद देखने को मिलेंगे जी। जी जी। अभी ये सब बोर्ड तो रहा है यहाँ, ये जैसे ये बनेंगे जी, प्रिंट होंगे जैसे जर्नी ऑफ इंडियन को आएंगे जो मैंने बात किया
जी जी ये आए हम लोग प्रिमिटिव पॉइंट्स पे, जी 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 सर, एंशियंट कॉइनेज पे जी, मिडिल एज कॉइनेज पे जी, सल्तनत पे, मुगल पे, मुगल्स पे, इंडिपेंडेंस किंगडम, उसी तरह यहाँ सारे सिक्के लगाए हुए इंडो डच इंडो पुर्तगीज ये सारे रहेंगे, ये अभी लगेंगे हाँ, बन जाएगा तो फिर हम बताएंगे। फिर भी सर बहुत खूबसूरत बनाया है आपने। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी सर ने किस प्रकार से अपना एक छोटा सा जो है संग्रहालय बनाने की कोशिश में है, ये चल रहा है। आने वाले वीडियो में आपको इसका पूरा बृहद रूप जो पूरा तैयार हो जाएगा तो बृहद रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और छोटा सा संग्रहालय कैसा लगा ये वीडियो का कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आगे भी सर के साथ और भी इंटरव्यू होने वाला है, उस इंटरव्यू को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्त मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।